हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है कमलाक्ष झा, मैं हूं आपका एजुकेटर। आप 19th ऑफ जून 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्रैश कोर्स से रिलेटेड पूरी कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी, प्लस यहां पर आपको टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए अब लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। गाइज, यहां पर हम लोग बात करेंगे ट्रैकिंग इन द हिमालयस मैजिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो ये टाइटल था 32nd सेशन अभी देखो अपना देश वेबिनार का हम लोग को देखने को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। अभी आपको याद आ रहा होगा कि मेरे ख्याल से शायद पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के बारे में भी डिस्कशन किया था, छत्तीसगढ़ की कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में, तो वो भी ये 32nd सेशन के दौरान ही हम लोग को देखने को मिली थी। तो वैसे ही यहां पर हिमालय की कुछ प्लेसेस के बारे में यहां पर बात करेंगे हम लोग। तो ये कभी कभी क्या होता है कि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस इस प्रकार से बन जाते हैं, जैसे कि कुआरी पास कहां पर है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड के अंदर है ये कुआरी पास, ठीक है। और ये एक ट्रैक है जिसको लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक्सप्लोर किया गया था और इसको कर्जन ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मा ताल भी है एक उत्तराखंड के अंदर, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मा लेक कहां पर है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड के अंदर है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि यहां पर ब्रह्मा जी ने ध्यान किया था, मेडिटेशन किया था। इसके अलावा फोटोक्सर ये लद्दाख के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, इसको द ग्रेट जंस्कर ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। रूपकुंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तराखंड में है, ये भी एक लेक है, ग्लेशियल लेक, जो कि काफी ऊंचाई पर है, हाई अल्टीट्यूड पर है। और ये कहा जाता है त्रिशूल जो माउंटेन्स है तो उसी के जो मतलब बीच में हम लोग को देखने को मिलती है, त्रिशूल माउंटेन के लैप में आप कह सकते हो, यानी कि एकदम बॉटम भी नहीं कहेंगे उस माउंटेन के, तो बीच में आप कह सकते हो, यानी कि थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाली चीज है त्रिशूल जो माउंटेन्स है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो रूपखंड ये एक लेक है जो कि उत्तराखंड में हम लोग को देखने को मिलती है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पे आप इसका आंसर लिखेंगे, उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स के नाम लिखिएगा और वहां की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम लिखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड के बारे में ये सब लोकेशंस बताई जा रही हैं, तो आपसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड भी टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करके मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसमें सिर्फ आपको इतनी सी चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। और पेपर 1 से रिलेटेड आज एक ही न्यूज थी, अब हम लोग पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि इंडिया की पहली मोबाइल कोविड टेस्टिंग लैब जो है वो इंस्टॉल की गई है। आप देख सकते हो गाइस, मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो चल सके इधर उधर, एक जगह से दूसरी लोकेशन पे जा सके, मूवमेंट जिसका हो सके। तो ये देखो आप, ये मोबाइल लैब आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये ऑटो टेम्पो में आपको देखने को मिल रही है। तो यहां पर देखो इसकी टेस्टिंग हो रही है, इस जगह पर, यहां पर टेस्टिंग करवाई जाती है। तो देखो कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, जैसे कि गांव के क्षेत्र होगा या फिर कुछ ऐसे इनएक्सेसिबल एरियाज जहां पर फैसिलिटीज वगैरह भी नहीं होती हैं, लैब्स वगैरह नहीं होती हैं, तो ऐसे एरियाज पर जो है ये गाड़ी जो है वो जाएगी और वहां पर लोगों की टेस्टिंग करेगी कोरोना वायरस की। और इवन आप लोग जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तक कह दिया है कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग जो है वो जल्द से जल्द कंडक्ट की जाए। तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिली। और दूसरी बात, आप लोग जानते हैं एक और चीज मेंस में लिखने लायक, कि आपको पता है कि जो माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं जो अपने अपने गांव वापस लौटे हैं, तो वो अपने साथ साथ काफी सारे लोग जो है ये कोरोना वायरस को लेकर भी गए हैं, राइट। तो उसके चलते वहां पर भी स्थिति खराब हो रही है। अब गांव क्षेत्र में ये सब हॉस्पिटल वगैरह की, लैब्स वगैरह की फैसिलिटी काफी कम अवेलेबल हम लोग को देखने को मिलती है और कई जगह पर तो होती नहीं है, राइट। तो ये जो है ये हम लोग को जो देखने को मिल रही है इंडिया की पहली मोबाइल कोविड टेस्टिंग लैब, तो ये हेल्प करेगी इनएक्सेसिबल एरिया पर जाकर या फिर ऐसे एरियाज पर जाकर जहां पर फैसिलिटीज नहीं है इस प्रकार की टेस्टिंग वगैरह की, तो वहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप इवन मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कोरोना वायरस से फाइट करने का काम कर रहे हैं, राइट। तो ये वाली चीज आप जरूर लिखिएगा। तो ये आंध्र प्रदेश की एक मेडटेक जोन लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसने मात्र 8 दिनों में ही ये तैयार कर दी है मोबाइल टेस्टिंग लैब। और ये मैंने आपको बताया कि कंट्री में ऐसी जगह पर ये जा सकती है जहां पर फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये बस बेसिक चीज है जिसकी एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए गाइस, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इन्होंने सीरियस कंसर्न जो है वो एक्सप्रेस किया है कि ईरान जो है गाइस आज की रेट में अपने न्यूक्लियर की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि उसके पास कितने क्वांटिटी में कितनी मात्रा में न्यूक्लियर्स हैं। इवन हम लोग को यह भी देखने को मिला कि काफी सारे जो इंस्पेक्टर्स थे जिन्होंने, यानी कि जो एजेंसी थी जिसने बोला था कि ईरान में जाकर वो विजिट करेगी, चेक करेगी, देखेगी
कि वहां पर जो 2015 ईरान न्यूक्लियर डील का आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको काफी समय पहले पढ़ाया भी था 2015 ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था। अच्छा एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा गाइस कि मैं काफी देर से जो है उस टॉपिक को ढूंढ रहा था, मुझे वो टॉपिक मिला नहीं है, बट बाय चांस अगर आप लोग को मिल जाए, जैसे कि कल मैंने आप लोग को एक ट्रीटी को बोला था कि आप ट्रीटी अगर आपको मिल जाए तो बता दीजिएगा, तो कल हमारी एक स्टूडेंट है, आई थिंक उनका नाम अर्पिता है, तो उन्होंने जो है वो मेंशन किया हुआ है प्रीवियस ट्यूटोरियल में, अगर आप जाएंगे तो कमेंट्स में देखिएगा, उनका कमेंट है एक, और वहां पर उन्होंने बकायदा मेंशन किया कि मैंने किस जगह पर किस टॉपिक पे, वो लिंक भी उन्होंने प्रोवाइड की है कि कहां पर मैंने ये प्रोवाइड किया हुआ ये वाला टॉपिक IMF ट्रीटी के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ने के लिए कहा था, राइट। तो वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है आप लोग को। देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स मुझे मिल जाते हैं जो मैं आपके ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, तो फिर वो मैं आपके यहां पर मेंशन कर देता हूं, बट कुछ कुछ नहीं मिलते, तो मैं आपसे बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि एक बार आप ढूंढ लीजिएगा अगर आपको मिल जाए तो। वैसे ही ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का 2015 ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से ये टॉपिक मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, ये मैंने अलग अलग टाइम पे आपको पढ़ाया हुआ है, बट मैं आपसे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक बार सर्च कीजिएगा जरूर, मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो भी, और सेकेंडली जिनके पास ये PDF इसकी आती है तो आप जरूर सर्च कीजिएगा। उसमें मैंने आप लोग को क्या मैप वगैरह दिखा दिखा के पूरी चीज एक्सप्लेन करी थी काफी डिटेल में, यानी कि मैंने वो वाला जो कंटेंट जो है वो अलग अलग जगह से ढूंढा था, ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह से ढूंढा था, ना जाने कहां कहां से ढूंढा था, यानी कि उसे एक 10-15 मिनट का मेरे ख्याल से वो वीडियो था, और उसको बनाने के लिए मान के चलो करीब 3-4 घंटे तक मैंने उसमें रिसर्च करी थी, और वो अभी दोबारा से वो जो कहां कहां से मैंने ढूंढा वो मिलना जो है वो इम्पॉसिबल टाइप का ही है, क्योंकि बहुत सारी जगह से मैंने उसको सर्च किया था। तो मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस कि अगर आपको वाला टॉपिक मिल जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि वो टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरे भी व्यूअर्स को काफी हेल्प करेगा जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, क्योंकि उसमें मैंने काफी डिटेल में आपको पूरे ईरान का जो सिनेरियो था, जो P5 जो नेशंस थे उनके साथ लिंक करते हुए पूरी पिक्चर मैंने आप लोग की कंसेप्ट जो है वो क्लियर किए हुए थे। मेरे ख्याल से ये टॉपिक मैंने आप लोग को नवंबर या 2019 के एंडिंग में पढ़ाया था या फिर 2020 के स्टार्टिंग में पढ़ाया था, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, बट अगर बाय चांस आपको वाला टॉपिक मिल जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए और ये आप लोग को पढ़ना भी जरूरी है। हालांकि मैं फिर से जो अभी कमिंग संडे को जब मेरा ऑफ रहता है तब उस समय मैं बकायदा सर्च करूंगा आप लोग के लिए वाला टॉपिक बैठ के, बट अगर आपको मिल जाए उससे पहले तो प्लीज मुझे जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि वो आप ही लोग के लिए काफी काम का है, राइट। तो चलो अब वही चीज की यहां पर बात हो रही है कि जो 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था ईरान का कि ईरान जो है वो यूरेनियम जो है उसका एनरिचमेंट नहीं करेगा, यूरेनियम जो है वो नहीं निकालेगा ज्यादा मात्रा में, क्योंकि आप जानते हैं यूरेनियम से बनता है न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, तो सभी कंट्रीज को डर था कि जो ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बना रहा है। तो एक टाइम था 2015 के पहले का, तो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स और काफी सारी कंट्रीज ने, इवन यूनाइटेड नेशन ने जो है वो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था, कि उसके जो आज की डेट में जो करेंटली ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगा हुआ आप लोग जानते हो कि यूएसए ने बोल दिया ऑलरेडी सभी कंट्री से ईरान से कोई भी जो है वो किसी प्रकार की डील नहीं करेगी, कोई भी कंट्री किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करेगी। तो कुछ उसी प्रकार का सेम एक सैंक्शन जो है वो लगाया गया था ईरान के ऊपर 2015 के अंदर। तो अभी क्या हो रहा है, अभी आप लोग जान रहे हो कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि ईरान और यूएसए के टर्म्स काफी ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं, और बीच में इवन ईरान ने यह चीज डिक्लेयर कर दी थी कि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को जो है वो शुरू कर देगा, यानी कि यूरेनियम निकालना शुरू कर देगा और यूरेनियम पे काम करना शुरू करेगा। हालांकि उसने कहा था कि वो वेपन्स वगैरह नहीं बनाएगा, बट वी नो अबाउट इट कि ऑब्वियसली बात है कि वो इतनी भारी मात्रा में अगर यूरेनियम निकाल रहा है वो, तो ऑब्वियसली बात है कि वो बनाएगा ही बनाएगा न्यूक्लियर वेपन्स, अपना बैकअप वगैरह रखेगा, क्योंकि यूएसए के साथ उसके टर्म्स वगैरह खराब होते जा रहे हैं। तो इसी चीज का डर हम लोग को अभी देखने को मिल रहा है, और इसी चीज का कंसर्न जो है सीरियस कंसर्न ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने उठाया है, राइट। तो इनके जो ऑब्जर्वेशन थे वो ये थे कि कुछ समय पहले जब ईरान से कहा गया था कि वो अपनी दो साइट्स को मतलब जो ऑफिशियल्स वगैरह जो हैं इंस्पेक्टर्स वगैरह जो हैं उन तक उनको लेकर जाए उसकी दो साइट्स में और वहां पर उनको जो है वो मॉनिटरिंग करने का मौका दे, बट ऐसा कुछ जो है वो नहीं किया ईरान ने, ईरान ने उसमें भी फेल कर दिया। इसके अलावा ईरान ने काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया कि उसने जो न्यूक्लियर मटेरियल जो डिक्लेयर नहीं है अनडिक्लेयर्ड है जिसकी पॉसिबिलिटी है कि यार वो यूज कर रहा है, तो उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी कि उसने उस मटेरियल का क्या यूज किया है, तो ये भी बड़ी एक प्रॉब्लम ईरान के अंदर चल रही है। साथ ही साथ ईरान ने अपने न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया, वैसे मैंने भी आपको बताया था कि वो यूरेनियम जो है उसने बढ़ाना शुरू कर दिया अपना, राइट। तो ये भी बड़ी एक इशू हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये और अभी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसकी जो है वो गड़बड़ी जो चल रही है, जो इशूज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसको भी एक उसका भी एक बड़ा कंसर्न जो है वो IAEA के द्वारा उठाया गया अभी यहां पर देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो ये कुछ चीजें अभी ये इस प्रकार की न्यूज में चल रही है, बट मेनली जो काम की चीज है आपके लिए गाइज वो जॉइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं सर्च करूंगा बट बाय चांस आपको मिल जाए तो अगेन रिक्वेस्टिंग यू प्लीज मुझे ये प्रोवाइड कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां पर यह भी कहा गया है कि अगर ईरान जो है वो IAEA के क्वेश्चंस का आंसर देने से अगर फेल हो जाता है, वो नहीं दे पाता है,
तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये पूरा मामला जो है वो उठाया जाएगा और पहली की तरह फिर से ईरान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। राइट, तो ये वाली चीज़ थी। और एक वो वाला जो टॉपिक मैंने आपको समझाया था उसमें पूरे सैंक्शन वगैरह, उसकी हिस्ट्री वगैरह हर एक चीज़ आपकी क्लियर करी थी, तो प्लीज़ यार एक बार देख लेना वो वाला, अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं नए व्यूअर्स को बता दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स को ये लगता है कि शायद मैं जो है आप लोग को बताता हूँ कि ये टॉपिक मैंने आपका कवर करा चुका है पहले, तो मैं ऐसी फेंकाबाजी कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है गाइस। मैं अगर कुछ चीज़ बोलता हूँ कि मैंने कंप्लीट कवर कराई है तो वो कवर कराई, उसका एविडेंस आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। राइट, और कई बार तो मैं आपको यहाँ पर दे ही देता हूँ स्क्रीन के अंदर, जैसे अभी आगे चल के एक टॉपिक का मैं देने वाला हूँ आप लोग को कि यहाँ पर जाके देख लीजिए आप, है ना। तो उस चीज़ की टेंशन मत लिया करो, जो टॉपिक्स मैं बोलता हूँ कि मैंने कवर कराए मतलब कवर कराएं, अगर आप सोचोगे कि ये वाला टॉपिक मैं दोबारा से रिपीट करवा दूँ तो उसमें क्या रहता है, मैं करवा तो दूंगा। जैसे अभी मैंने जो आपको चीज़ बताई काफ़ी सारी 2015 के बारे में, तो वो ही एग्जैक्टली थी, बट उसको मैंने आपको और ज़्यादा डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन किया था। अब क्या होता है किसी चीज़ किसी टॉपिक के ऊपर फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन करता हूं जब मैं किसी टॉपिक को, तो उसके बारे में फ्रेश इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं अलग अलग जगह से गेन करता हूं आप लोग के लिए, किसी एडिटोरियल से, किसी पुरानी जो है वो न्यूज़ वगैरह से, किसी पुराने एडिटोरियल से, किसी पुराने कंटेंट से, तो ऐसी ऐसी जगह से मैं आप लोग की न्यूज़ लेकर आता हूं और मैंने जो कंटेंट लेकर आता हूं फिर वो एक साथ आपको प्रोवाइड कराता हूं। इसलिए मैं इस टॉपिक पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि यहां पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में भी और उसकी पूरी डिटेल आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराई थी, तो इसको एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा। और ये तो मैं आपको हाल की प्रोवाइड कराई दूंगा अगर मेरे स्टूडेंट्स नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं तो, बाकी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। चलो एनीवेज, आपका थोड़ा ज़्यादा समय अभी मैंने वेस्ट किया, आई एम सॉरी अबाउट इट। तो अब हम लोग पेपर 3 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही न्यूज़ थी। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है एक मछली के बारे में, एक मछली जो है गाइस ये अभी रिसेंटली पाई गई है, डिस्कवर हुई है, इसका नाम जो है वो शिज़ोथोरैक्स सिकुसी रोमेंसिस, शिज़ोथोरैक्स सिकुसी रोमेंसिस एक नई स्पीसीज है मछली की जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है। ये शिज़ोथोरैक्स जीनस से बिलोंग करती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये डिस्कवर हुई है। राइट, और ये इसका नाम जो रखा गया है सीकू और सिरम, ये दो नदियां हम लोग को देखने को मिलती हैं उनके नाम पर रखा गया है। तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के अंदर दो नदियां हैं जिसका नाम है सीकू और सिरम, क्योंकि क्या पता ये मछली के बारे में ना पूछें आपसे, सीकू और सिरम के बारे में पूछ लें तो आप लोग को इसका आंसर भी देना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसके बारे में, तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन याद रखो। अब बात करेंगे GLOO के बारे में, गेटवे लूनार ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट के बारे में। तो नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम का ही एक पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ये क्या कर रहे हैं गाइस, नासा एक छोटा सा स्पेसशिप बना रही है, छोटा सा स्पेसशिप जहां पर एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो है वो बैठेंगे, ट्रैवल करेंगे। अब ये कहां पर स्पेसशिप जाएगा, तो ये मून के चक्कर लगाएगा स्पेसशिप। तो देखो आप लोग को पता होगा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है जहां पर रिसर्चर्स वगैरह जाकर जो है वो वेरियस रिसर्च वगैरह कंडक्ट करते हैं ये स्पेस के अंदर, और कहा जाता है कि ये एस्ट्रोनॉट्स का एक आइलैंड है जहां पर एस्ट्रोनॉट जाकर अपनी रिसर्च वगैरह कंडक्ट करते हैं। तो उस जगह जैसे कि अगर एस्ट्रोनॉट को किसी मिशन पर जाना है, जैसे कि मान के चलो मून पर जाना है, तो वो क्या करते हैं, वो पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाते हैं, वहां पर जो भी उनके काम की रिसर्च वाली चीज होती है उसको कलेक्ट करते हैं, फिर वो मून पे चले जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मून के बाद वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके या तो उनको जो भी करना है, जो भी काम करना है, जो भी रिसर्च करनी है, तो वो वहां जाके करते हैं, फिर वापस फिर अपने मिशन पे चले जाते हैं। तो ऐसी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो बेसिकली एक प्रकार का रिसर्च स्टेशन है जो कि स्पेस के अंदर, वहां पर सालों सालों तक जो है वो साइंटिस्ट रहते हैं, रिसर्चर्स रहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं जो अपनी रिसर्च वगैरह कंडक्ट कर रहे होते हैं। राइट, अगर आपको इसका वीडियो देखना है गाइस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, तो मैं अक्सर अपने रेगुलर व्यूअर्स को बोलता हूं कि इसका वीडियो जरूर देखना, एक इसका ओरिजिनल वीडियो है बकायदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, एक एस्ट्रोनॉट ने रिकॉर्ड किया हुआ है, काफी बहुत शानदार है, आपको उसको अगर कभी भी आपको फ्री टाइम मिले जाकर देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एस्ट्रोनॉट जो है वो खाना खाते हैं, कैसे वो वेरियस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उन्होंने पूरी चीज बता के रखी हुई है कि उस स्पेस, क्योंकि आप जानते हो स्पेस में जो है वो ग्रेविटी है नहीं, वो फ्लो कर रहे होते हैं, तो वो फ्लो कर करके इतना बेहतरीन लगता है देखकर कि ऐसा लगता है कि यार काश हम भी वहां पर होते, यार कर सकते ऐसा। राइट, बट उसके लिए तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, बहुत रिसर्च वगैरह करनी रहती है, या फिर बहुत ब्रिलियंट माइंड चाहिए होता है उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए। अब तो अपन तो सिर्फ कह ही सकते हैं, हालांकि बट आगे चल के शायद हो भी सकता है ह्यूमंस जाएंगे अभी, क्योंकि इस पर काम ऑलरेडी चल ही रहा है, नासा बेसिकली काम कर ही रहा है, और इसका जो आर्टेमिस मिशन जो है ये इसी से रिलेटेड है, ये ह्यूमंस को जो है वो स्पेस में भेजेगा। राइट, जैसे कि मून में जाने का भी इसका एक मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, मार्स में जाने का भी इसका एक मिशन हम लोग को आगे चल के देखने को मिल रहा है, तो उसी के लिए इन्होंने क्या किया, ये गेटवे लूनार ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट जो है वो तैयार किया है कि जो भी मिशन जो है जो मून में जाए या फिर जो भी एस्ट्रोनॉट मून में जाए या फिर मार्स में जाए, तो उनके लिए एक स्पेसशिप होनी चाहिए
जो कि उनको असिस्ट कर सके, राइट, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर उनको असिस्टेंस मिल सके। तो एक बेसिकली आप कह सकते हो एक मिनी होम है इनका यहां पर जो ये तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर टारगेट किया जा रहा है किसके ऊपर, कि मून पर, वही मैंने भी आपको सेम चीज बताई कि मून पर जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे और मार्स पर जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे तो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए ये स्पेसशिप जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम है गेटवे लूनार ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट। और गाइज ये बताया जा रहा है ये टेम्प्ररी ऑफिस होगा एस्ट्रोनॉट का, वही सेम चीज़ जो मैंने भी आपको बताई थी, वहाँ पे जाकर वो काम करते हैं जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम लोग को देखने को मिलता, तो वैसे ही ये भी है। और आप लोग को एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि 2026 तक कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो बंद हो जाएगा, यानी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और उसको यूज़ में ना लाया जाएगा। तो इसलिए दूसरे इस प्रकार के स्पेस स्टेशन की भी तैयारी चल रही है। इवन कुछ समय पहले हमने बात करी थी कि चाइना भी अपना एक खुद इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो तैयार कर रहा है, या फिर उसका चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर लिविंग क्वार्टर्स भी होते हैं, रहने की जगह होती है, लैब्स वगैरह भी होती है, वही सेम चीज़ जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी। और यहाँ पर बस एक लिमिटेशन है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो सालों सालों तक यहाँ पर रह सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक मिनी स्पेसशिप की तरह ये सिर्फ कुछ महीनों तक के लिए ही जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगी कि वो स्पेस में रहेगी। फिर जैसे ही जो ये ह्यूमन वाले जो मिशन होते हैं स्पेस में जाने के लिए या फिर मून्स वगैरह में या दूसरे प्लैनेट्स में जाने के लिए, तो जैसे ही उनका मिशन खत्म होगा वैसे ही ये उनको भी लेकर आ जाएगी और ये खुद भी साथ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराने का ही एक मिशन ये हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो गेटवे लूनार ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट है ये हम लोग को देखने को मिलेगा। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा छोटा है ये, और हमारी धरती से 2.5 लाख माइल्स की ऊंचाई पर ये हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी डिस्टेंस पे हम लोग को देखने को मिलेगा। और कहा जा रहा है कि नासा टारगेट कर रही है कि 2026 तक ये इसको स्पेसशिप को तैयार करके खत्म कर देगी, यानी कि वर्किंग मोड पे ले आएगी, ठीक है। तो इसको लेकर ये पूरा न्यूज़ अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिली है। इसके अलावा आर्टेमिस लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आप लोग का कवर करा हुआ है 15 जनवरी को। आपको देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 15 जैन ओनली करंट अफेयर, ऐसे ही आपको YouTube में सर्च करना है, जो सबसे पहला वीडियो होगा वो यही वाला होगा। और इस वीडियो में आपको 36 मिनट 3 सेकंड में जाना है तो आपको ये वाला टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएगा 36 मिनट्स 3 सेकंड पे, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा जाकर, क्योंकि आर्टेमिस लूनार मिशन जो है गाइस ये एक ऐसा मिशन है जहाँ पर पहली बार एक महिला जो है वो मून पर जाएंगी 2024 में, फर्स्ट टाइम एक वुमेन जो है वो मून पे जाएंगी और अगला इंसान जो है वो मून पे जाएगा, राइट। तो ये जो है वो मिशन उसका हम लोग को ह्यूमन वाला देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। अब बात करेंगे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन और सूखे को खत्म करने के लिए 17 जून को जो है ये दिवस मनाया जाता है। ये देखो आप इस तरफ देखो, इस फोटो के अंदर आप देख रहे हो ये डेजर्टिफिकेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि सूखा पूरा पड़ गया है। तो हम लोग को क्या करना है, ये कन्वर्ट करना है इस, मतलब यानी कि डेजर्टिफिकेशन से हम लोग को जो है वो एफॉरेस्टेशन करना है और पूरा जो एरिया जो है वो डेजर्टिफिकेशन से खत्म करना है, इस प्रकार से गार्डन वगैरह बना देना है, एफॉरेस्टेशन करना है। तो ये वाला जो सिनेरियो है उसको फिनिश करके हम लोग को इस पर आना है, तो उसको लेकर ये दिवस हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। इस साल की जो इसकी थीम है वो है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड, ठीक है। तो ये इसका थीम हम लोग को देखने को मिल रही है। और जो हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट्स ये एग्जाम लिख रहे हैं वो भी आप भी थीम को इंग्लिश में ही थोड़ा सा रटने की कोशिश कीजिए, या फिर जनरल 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये थीम जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लिखेंगे कि डेजर्टिफिकेशन होने के क्या कारण होते हैं, क्या रीज़न हम लोग को डेजर्टिफिकेशन होने के देखने को मिलते हैं। तो इसके कोई भी 3 रीज़न, सिर्फ 3, या आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइए। अब बात करेंगे 5वें स्टेट ऑफ मैटर की। तो देखो गाइज, अभी तक 4 नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा, ये 4 स्टेट ऑफ मैटर है। 5वां जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, ये डायरेक्ट प्रीलिम्स में आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन, दोबारा से पूछा जा सकता है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5वां जो है वो स्टेट ऑफ मैटर हम लोग को देखने को मिलता है। 4 जो स्टेट ऑफ मैटर है ये नेचुरल हम लोग को देखने को मिलते हैं, नेचुरल स्टेट वाले, और ये 5वां जो बनाया गया है ये मैनमेड हम लोग को देखने को मिलता है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन और इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्रनाथ बोस जी के द्वारा तैयार किया गया था, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था और इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को जो है वो तैयार किया, जो कि 5वां हम लोग को देखने को मिलता है कि स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी बात करेंगे इस, तो ये 1995 में क्रिएट किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, इन्होंने लेजर्स और मैग्नेट को कंबाइन किया और उसकी मदद से इन्होंने क्या किया, रूबियम आप देखो इस प्रकार का ये पदार्थ हम लोग को देखने को मिलता है, रूबियम आप ये देख सकते हो, ये रूबियम इन्होंने क्या किया, लेजर और मैग्नेट के साथ जो रूबीडियम जो है तो उसको कूल किया, काफी ठंडा किया, इतना ठंडा किया कि वो एब्सोल्यूट जीरो तक जो है वो चला गया, बहुत ही ठंडा,
राइट। तो ये किया उन्होंने, और उसके बाद इतने लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप जानते हो गाइस सॉलिड लिक्विड गैस में हम लोग को ये मॉलिक्यूल्स देखने को मिलता है, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये गैस वाला एरिया दिखाई दे रहा है जहां पर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, बट अगर आप सॉलिड वाले एरिया पे देखोगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास होते हैं, बट देन टू वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उनमें मोशन हम लोग को देखने को मिलता है, उनमें हलचल हम लोग को देखने को मिलती है। बट जब इतने कम टेम्परेचर में अगर एक मैटर को जब स्टडी किया जाता है, तब क्या होता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल जो होते हैं और स्पेशली ये रुबिडियम में, तो इसके जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एकदम पास में आकर एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं, इतने कस के वो अटैच हो जाते हैं गाइस कि वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई सेपरेट एटम बचता ही नहीं है, राइट। और एक सिर्फ सिंगल सुपर एटम हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अलग 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 जो आप लोग को देखने को मिल रहा है मॉलिक्यूल्स, तो ये एक साथ इस प्रकार से टाइटली एक दूसरे के साथ जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं कि इनका मोशन जो है, इनका मूवमेंट जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, और ये अलग अलग एटम की जगह एक सिंगल एटम में जो है वो बन जाते हैं, जिसको सुपर एटम कहा जाता है। तो अब देखो क्वेश्चन ये भी बन सकता है सुपर एटम क्या है, तो उसके बारे में भी आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए कि ये वाली चीज हम लोग को इस प्रकार से सुपर एटम की देखने को मिलती है ना, तो ये चीज है। इसके अलावा इसका उपयोग जो किया जाता है वो क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करने में किया जाता है। अब कैसे इसका उपयोग करेंगे, तो देखो गाइस इस पदार्थ, इस मीडियम से अगर कोई भी चीज निकलती है, जैसे कि अगर हम लोग लाइट की बात करें, तो लाइट जो होती है गाइस अगर वो इस मीडियम से गुजरेगी तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो मॉलिक्यूल जो है उसमें ऑब्वियसली बात है कि उसमें गैप तो बिल्कुल है नहीं, उसमें मूवमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो जैसे ही अगर लाइट भी निकलेगी तो लाइट भी बहुत स्लो हो जाएगी, इतनी स्लो कि साइंटिस्ट आसानी से जो है वो लाइट के हर एक चीज को जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये चीज है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल जो है ब्लैक होल वगैरह को और भी दूसरी जो साइंटिफिक स्टडीज वगैरह जो होती हैं उसको, उसकी रिसर्च के लिए, उसकी स्टडी के लिए जो है वो किया जा सकता है इसका इस्तेमाल, ये वाले मैटर का, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, राइट। और मेरा भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा कि मैटर, एटम और मॉलिक्यूल, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखिए। जैसे आजकल मैंने आप लोग के लिए शुरू किया हुआ है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, काफी सारे लोग एक्टिव हैं, और ये एग्जाम सिर्फ उन्हीं का है जो एक्टिव रहते हैं डेली, राइट। क्योंकि ये एग्जाम में अगर आप एक दिन पढ़ोगे, चार दिन गैप करोगे, एक दिन पढ़ोगे, दो दिन गैप करोगे, या फिर एक दिन तो आपने 5-6 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन पढ़ने का नामो निशान नहीं, तो फिर नहीं काम चलेगा। आपने अगर एक चीज डिसाइड करी कि आपको भाई 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, वो भले ही फिर कुछ भी हो, तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, जब तक आपकी हालत बिल्कुल ही बैंड नहीं बज जाती तब तक तो आपको पढ़ना ही पड़ना है अगर एग्जाम क्रैक करना है तो, ठीक है। तो रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे काफी खुशी है कि आज की डेट में काफी सारे लोग जो है वो रेगुलर है, राइट। तो वो उससे मुझे भी काफी अच्छा लगता है, और मेरा क्या, आप अपने लिए ही रेगुलर है बेसिकली। तो मैंने जो आजकल डेफिनेशन वाला जो शुरू किया है गाइस, वो आप लोग के काफी काम में आएगा, काफी आपको उससे हेल्प मिलेगी। जैसे कि कल मैंने आप लोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पूछी थी कि प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख दो, वैसे ही आप मैटर, एटम और मॉलिक्यूल NCERT में आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, जिसको आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। तो देखिए गाइस ये वाली चीज आप लोगों को करनी थी, और ये जो न्यूज में जो हम लोग को ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो देखने को मिला है वो इसलिए क्योंकि नासा के जो साइंटिस्ट हैं गाइस, उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स के साथ, जो कि एस्ट्रोनॉट्स जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, तो उनके साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया है कि वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में स्टडी करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है उसको धरती की ग्रेविटी के बाहर जो है वो स्टडी किया जाएगा, तो उससे उनको और भी कुछ वेरियस चीजें जो है वो पता लगेगी। तो ये क्वांटम फिजिक्स वगैरह में इसका उपयोग जो है वो काफी बेहतरीन तरीके से किया जाता है, तो ये वाली चीज है। तो ये बस आपको इन जनरल पता होनी चाहिए, इतना डिटेल में आपको नहीं घुसना है, क्योंकि साइंस एंड टेक में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इतना डिटेल में नहीं आएगा, और जितनी चीज़ मैंने आपको बताई है उतनी सफिशिएंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। अब गाइस बात करेंगे हम लोग इंडिया गैस एक्सचेंज की। तो देखिए ये इंडिया का पहला नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है नेचुरल गैस की डिलीवरी के लिए। यहाँ पर दो चीज़ आपको समझनी है, एक तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो नेचुरल गैस है उसको खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में आप जो है वो स्टॉक वगैरह खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह खरीदते हो, तो वैसी चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल है। ये बेसिकली IEX इंडिया एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म का ही एक सब्सिडरी है, यानी कि कह सकते हो आपकी उसी का एक पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। और IEX इंडिया की ये वेबसाइट का भी मैंने आपको, आपके लिए लिंक रखा है यहाँ पर IEX इंडिया.com,
तो आप चाहो तो इस पर जाकर एक नज़र मार सकते हो कि कैसी चीज़ें ये दिखाई देती है। क्योंकि देखो इस प्रकार की कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, कभी कभी अपने फ्री टाइम पे ऐसे कुछ चीज़ें वेबसाइट वगैरह ऑफिशियल देखते रहा करो, क्योंकि जब आगे चल के आप कलेक्टर बनोगे IAS बनोगे तो आप ऑब्वियसली बात है कि आपको पूरी चीज़ देखनी है समझनी है, तो उसकी प्रैक्टिस हैबिट अभी से डालो। क्योंकि कल को क्योंकि जब आप एग्जाम भी लिखोगे तो एटलीस्ट वो कैसा उसका वेबसाइट का लेआउट उसमें दो तीन चीज़ें अगर आप देख लोगे तो आपको वो सब चीज़ें रिकॉल कर जाएगी एग्जामिनेशन के समय पर, है ना। तो इसलिए ये प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए। तो देखो इंडिया गैस एक्सचेंज, दो चीज़ हमने समझ ली कि इसके अंदर नेचुरल गैस जो है उसको खरीदा बेचा जा सकता है, उसकी ट्रेडिंग हो सकती है। दूसरी बात आप यहाँ पर इसको इन्वेस्टमेंट की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज जैसा होता है ना वैसे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। और ये नेचुरल वही मैंने सेम चीज़ जो आपको बताई थी। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझनी है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट इन दोनों तरीकों से यहाँ पर ट्रेड होता है। अब ये स्पॉट मार्केट क्या होता है पहले ये समझो। तो देखो एट प्रेजेंट जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, जो रेट चल रहा है, जो ऑपरेशन एट प्रेजेंट हो रहा है डेली बेसिस पर, तो वो स्पॉट मार्केट कहलाया जाता है। बट फॉरवर्ड मार्केट की अगर हम लोग बात करें, जिसको फ्यूचर मार्केट भी कहा जाता है, तो ये फ्यूचर डिलीवरी के ऊपर बेस्ड होता है कि आने वाले समय में, जैसे कि आप जानते हो गाइस कि ये पेट्रोल गैस वगैरह ये सब जो चीज़ें होती हैं उसके दाम जो है वो डेली बेसिस पर ऊपर नीचे होते हैं, राइट। जैसे कि अगर आप आज पेट्रोल डलाने जाओगे कल डलाने जाओगे तो उसमें हल्का फुल्का डिफरेंस आपको हर दिन जो है वो नजर आएगा, दिखाई देगा, ठीक है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड मार्केट यानी कि फ्यूचर प्राइस के मामले में, या फिर जैसे कि आपने आज खरीद लिया और अगर आपको डिलीवरी फ्यूचर में चाहिए, राइट, तो भी आप वहां पर प्रिजर्व कर सकते हो। आज के प्राइस से आप खरीद के फ्यूचर में डिलीवरी जो है वो मंगवा सकते हो, बुलवा सकते हो। तो ये वाली चीज भी यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये कमोडिटीज वगैरह में होती है जनरली। आप जब इकोनॉमिक्स में कमोडिटी के बारे में पढ़ोगे तो आप स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट भी जो है उसमें मेंशन होता है। स्टॉक वगैरह के बारे में हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन जब आपको पढ़नी होगी, ऑब्वियसली बात है कि आपके GS पेपर 3 के अंदर ये टॉपिक्स हैं, राइट, तो उसमें ये वाली चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो कम्युनिटी की नेचर की हम लोग को जनरली ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वैसे ही ये नेचुरल गैस के मामले में हम लोग को नजर आ रहा है। अब यहाँ पर वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, कि यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये सिर्फ इंपोर्टेड नेचुरल गैस में ही एप्लीकेबल होगी, यानी ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ये जो एक्सचेंज वाली जो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है स्टॉक एक्सचेंज की तरह, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड नेचुरल गैस के लिए अवेलेबल होगी। जो हमारी कंट्री के अंदर जो नेचुरल गैस जो है प्रोड्यूस होती है उसके लिए ये नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो नेचुरल गैस जो प्रोड्यूस होती है गाइस वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है उसका प्राइस, बट जो इंपोर्टेड जो होती है तो उसके ऊपर बेस हम लोग को उसके प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। अब देखो इस प्लेटफॉर्म का एक फायदा और भी है, यहाँ पर जो लोग हैं गाइस उनको एक तो बायर्स वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिजिकली उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर उनके बेस्ट प्राइस उनको अगर चाहिए किसी इसका नेचुरल गैस का, तो उसके लिए उनको अलग 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 जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह जो होते हैं, सेलर्स वगैरह जो होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वो वेबसाइट पर जाएंगे और उनको ऑफर मिल जाएगा, अच्छा, है ना। तो ये चीज़ जो है वो इसकी बेनिफिट हम लोग को देखने को मिलता है, ट्रांसपेरेंसी इसका एक बेनिफिट है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आप लोग को इन जनरल आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा जो भी नेचुरल गैस है जो कि आती है इंपोर्ट होती है, दहेज और हजीरा जो कि गुजरात के अंदर है और आंध्र प्रदेश के अंदर हम लोग को जो हब देखने को मिलता है, ये काकीनाड़ा में हम लोग को देखने को मिलता है, नेचुरल गैस का हब है ये, ठीक है। तो यहाँ से जितनी भी नेचुरल गैस इंपोर्ट होती है तो उस नेचुरल गैस के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। इसके अलावा ये भी याद जरूर रखना आप कि दहेज और हजीरा, क्वेश्चन आ सकता है ये दहेज कहाँ पर है, हजीरा कहाँ पर है, राइट। तो आपको बताना चाहिए कि गुजरात के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, इसके अलावा काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्टली लोकेशन से रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट के बारे में मैंने आपको एक दो चीज़ें बताई दी थी ऑलरेडी, कि ट्रांसपेरेंसी हम लोग को इसकी प्राइस में देखने को मिलेगी, कि नेचुरल गैस की जो प्राइसेस होती हैं इंपोर्ट वाली तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी क्योंकि वेबसाइट पे पूरी चीज़ अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर ग्रोथ भी बढ़ेगी कि नेचुरल गैस जो है उस पर लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसको खरीदेंगे, उसका मार्केट हम लोग को देखने को मिलेगा, ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें ग्रोथ आएगी एक, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर बायर्स और सेलर्स को जो है वो मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दूसरे को फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटर प्राइस डील के लिए, वही सेम चीज़ मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है बायर्स और सेलर्स के लिए कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी, क्योंकि एट प्रेजेंट सिर्फ 6 महीने से लेकर 1 साल तक के पीरियड के लिए ही लोग जो है वो ट्रेड कर सकते थे, डील कर सकते थे नेचुरल गैस में, बट अब इवन 1 दिन के लिए भी वो डील कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आज वो जो है वो डिमांड करेंगे नेचुरल गैस की, कल नेक्स्ट डे उनको डिलीवरी मिल जाएगी। तो ऐसे भी सिनेरियो इतने फास्ट हम लोग को यहाँ पर इस चीज़ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंडिया गैस एक्सचेंज, इंडिया का पहला ऐसा ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नेचुरल गैस की डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
और इंडिया जो है गाइस वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है, क्योंकि आप जानते हो गाइस कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू इंपोर्ट की अगर हम लोग बात करें। दूसरी बात, हमारा जो प्रोडक्शन जो होता है गाइस उसमें जो नेचुरल गैस जो होती है वो एज कम्पेयर टू इंपोर्टेड वाली तो वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं मानी जाती, तो इसलिए इंपोर्टेड नेचुरल गैस को हम लोग ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं। और इससे क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म के चलते हमारा जो नेचुरल गैस का जो बास्केट है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 2030 तक 15% करने में हम जो है वो अचीव कर जाएंगे, यानी 2030 तक 15% नेचुरल गैस का उपयोग जो है वो हम लोग बढ़ा देंगे। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई जा रही है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये फायदा भी मिलेगा, तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ये इस पर भी आप जो है वो कहीं पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं वाली चीज, राइट। इसके अलावा इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है गैस का वो गिरता जा रहा है, राइट, क्योंकि वही सेम चीज मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ की जो नेचुरल गैस है वो उतनी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू इंपोर्टेड वाली, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एट प्रेजेंट जो है पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है इस पूरी चीजों के लिए, नेचुरल गैस वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि आज की रेट में कंपनीज वगैरह जो है वो करती हैं जिनके पास नेटवर्क है। बट सबसे बड़ा जो हमारी कंट्री के अंदर जो नेटवर्क है वो गेल का है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। याद रखना, क्वेश्चन ये भी बन सकता है हमारी कंट्री के अंदर सबसे लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन नेटवर्क किसका है, गेल आपको याद रखना है, ये गवर्नमेंट की है, सरकार की है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा का गैस पाइपलाइन नेटवर्क इसका हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी जरूर हिट कर दीजिएगा। बट रुकिए, कहीं जाना नहीं है, अभी थोड़ी देर में आपके 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा मैं, जो हमारी टीम ने प्रोवाइड किए हुए हैं। और ये वाले जो 10 क्वेश्चन है गाइस वो टीम बनाती है, मैं आप लोग का करंट अफेयर्स देखता हूं, और साथ ही साथ रात में 10 बजे जो आपका टेस्ट आता है जिसमें आपको डेली 10 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराता हूं, पहले से टॉपिक देकर मॉर्निंग में मैं आपको 11 बजे से 12 बजे से पहले आप लोग को टॉपिक दे देता हूं, फिर पूरे दिन जो है वो आप पढ़ते हो और रात में 10 बजे आपका टेस्ट होता है 10 क्वेश्चन का। और ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आप पूरे दिन में कवर कर लो, तो आपकी मतलब एक दिन की लिमिट के हिसाब से ही मैं टॉपिक्स वहां पर आप लोग के लिए मेंशन करता हूं, तो उसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं है। तो उससे क्या रहता है कि आपकी तैयारी चलती रहती है। काफी सारे बच्चों को उसके बारे में पता नहीं है, वहां पर काफी कम बच्चे उसको अटेंड करते हैं, अटेंड किया करो, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए, राइट। एक बार जाके देख लो वो टेस्ट सीरीज होती किस टाइप की है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि उसका लेवल क्या है टेस्ट सीरीज का, तो शायद आपको पसंद भी आएगी। बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है वो भी, तो उसको भी आप देख सकते हो। हमारे ओनली करंट अफेयर नाम का यूट्यूब चैनल है, वहां पर वीडियोज में जाइएगा आप, तो आपको वहां पर डेली जो है वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। या फिर अगर आपको उसकी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आप मुझसे मांग सकते हैं प्लेलिस्ट, या फिर अगर आप ये फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे फेसबुक पे मुझसे वो प्लेलिस्ट जो है वो मांग सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको अभी कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिनको आपको प्रिपेयर करना है। पहला तो 10th शेड्यूल गाइस, 10th शेड्यूल मैं आप लोगों को कई बार होमवर्क दे चुका हूँ अभी, मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीने में तो मैं 4-5 बार तो आपको दे ही चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है अभी भी, ये जरूर पढ़ लो, क्योंकि ये कई बार न्यूज़ में आ रहा है और इससे रिलेटेड प्रिलिम्स में या फिर मेंस में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे रिलेटेड, 10th शेड्यूल से रिलेटेड, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसको आप पढ़िए, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और होमवर्क करने से पहले ये नोटिस है इंग्लिश हिंदी दोनों में, इसको एक बार पढ़ लीजिए फिर होमवर्क कीजिएगा। और यूपीएससी क्रैश कोर्स भी हमारा अवेलेबल है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए 100 डेज का क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इनसे रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके, राइट। और टेलीग्राम के ये कुछ ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। चलिए, अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टाटा। और अभी ये टेस्ट दीजिए, 10 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा।